मैं चार साल से टोहाना में जिला फतेहाबाद में सेक्स रैकेट के खिलाफ लड़ रहा हूँ, जिसमें मेरी पुत्रवधू भी फंसी हुई है जी। मैं उसको उस रैकेट से निकाल कर बसाना चाहता हूँ, क्योंकि दो छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। सेक्स रैकेट टोहाना में चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े परिवारों को, महिलाओं को फंसा कर उनसे नशे की और अवैध हथियार की तस्करी करवाई जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर एक विवाद चल रहा है आईपीएस अधिकारी और महिला पुलिस कर्मियों का। आपके साथ हमने कई वीडियो शेयर की हैं, आज भी आपके साथ इससे पहले एक वीडियो शेयर की थी। इस मामले को लेकर के नित नई बातें सामने आ रही हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया। और इस वीडियो में मैं आपके साथ जिक्र करने चला हूं एक और घटनाक्रम का जो इसी मामले से जुड़ा हुआ है, और वो सामने निकल करके आया आज जब महिला आयोग की टीम ने बुलाया हुआ था, महिला आयोग ने बुलाया हुआ था महिला पुलिस कर्मियों को और एसएचओ डीएसपी को, जो महिला एसएचओ और महिला डीएसपी हैं। तो इसी दौरान टोहाना के एक व्यक्ति भी पहुंचे, विपिन नाम है उनका। टोहाना के विपिन पहुंचे और उन्होंने भी अपने बयान दर्ज कराए, अपनी शिकायत दर्ज कराई और मीडिया के साथ आकर के बातचीत की। इस बातचीत में विपिन ने दोस्तों जो कहा वो रोंगटे खड़े करने वाला है। विपिन ने, अगर मैं ये कहूं कि अपने बयान के अंदर खाकी की कई बातें सामने ला करके रख दी। विपिन ने तो कई आरोप लगा दिए, उसने तो कई अधिकारियों पर यह आरोप तक लगा दिए कि जो हनी ट्रैप गैंग चल रहे हैं, खासकर अपने एरिया फतेहाबाद टोहाना की बात वो कर रहे थे। और कहना तो उनका यह है विपिन का कि उस सब के पीछे कहीं पुलिस अधिकारियों का वर्द हस्त भी है। शिकायतकर्ता ने, जो इसके अंदर महिला डीएसपी हैं, जिन पर उस सोशल मीडिया वायरल चिट्ठी में आरोप लगा था, शिकायती पत्र अनुरोध पत्र में आरोप लगा था, उन महिला डीएसपी के बारे में भी काफी कुछ कहा। विपिन ने तो इस सारे मामले के अंदर बड़े आला खाकी अधिकारी, इसके साथ साथ जुडिशियल अधिकारी पर भी आरोप लगा दिए। हालांकि हम किसी के नाम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आपको विपिन की बात जरूर सुनाते हैं कि विपिन क्या कह रहे थे, आप खुद सुनिए पहले एक बार। सर, आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? विपिन कुमार, टोहाना जिला फतेहाबाद से। जी, आज पहुंचे हैं फरीदाबाद महिला आयोग के चेयरपर्सन के पास, क्या कुछ मामला? मुझे बुलाया गया था यहाँ। सर, मैं चार साल से टोहाना में जिला फतेहाबाद में सेक्स रैकेट के खिलाफ लड़ रहा हूँ, जिसमें मेरी पुत्रवधू भी फंसी हुई है जी। मैं उसको उस रैकेट से निकाल कर बसाना चाहता हूं, क्योंकि दो छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। लेकिन वो उसे ब्लैकमेल होकर उन्हीं के पक्ष में बयान दे रही है, क्योंकि वो डरी हुई है। ये केस मैं डीजीपी मनोज यादव से लेकर शुरू किया था 4 साल पहले। ये जांच मैडम के पास आई थी, इन्होंने झूठे तथ्यों से मेरी फाइल को बंद कर दिया। तो मैं फिर भी लड़ता रहा, फिर दोबारा वो FIR हुई, मतलब दूसरे अधिकारियों से। तो जब मैंने ये जीन का प्रकरण सुना, जब नामुन पीड़ित महिलाओं ने लिया, तो मेरे माथा ठनका कि ये तो सेक्स रैकेट चलाने वालों की मास्टर है। तो मैंने एक ट्वीट हरियाणा के DGP और CM को किया, उस ट्विटर पे लिखा कि मैं नहीं जानता वो महिलाएं कौन है, मैं नहीं जानता कि SP भूमिका आने के बाद मेरे को उन महिलाओं की बात सत लगती है, इसलिए इसकी बारीकी से जांच हो, क्योंकि गीतिका जाकर 4 साल पहले मेरे एक सेक्स रैकेट की जांच में झूठी साबित हो चुकी है। आप IG केसारी से पूछ सकते हैं, आप नवदीप सिंह बिर्क से पूछ सकते हैं, आप, मैं बहुत बड़े पुलिस अधिकारियों के नाम बता जिनको इस बात का पता है। उसकी FIR हुई टोहाना में भी। सेक्स रैकेट टोहाना में चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े परिवारों को, महिलाओं को फंसा कर उनसे नशे की और अवैध हथियार की तस्करी करवाई जाती है। उसके बाद कौन चलाता है? ये संजय बांसल, जो 559 FIR में नामजद है। नामजद दो आरोपी है, गगन भाट एक संजय बंसल। संजय रहने वाला है, बनिया है, वो ये काम करता है, मैच बुक सारा कुछ चलाता है। उसके खिलाफ ये FIR हुई गगन भाट के खिलाफ। गगन भाट को पुलिस ने जांच से निकाल दिया, भी शामिल करने के लिए बार बार दरखास्तें लगा रहा हूँ, लेकिन पुलिस मेरी वो नहीं कर रही। ये 559 FIR 14/11/21 को, 21 का मामला है। 24 में आप सामने आए, महिला आयोग के ऑफिस में पहुंचे हैं। महिला आयोग में जब ये मामला आया, कौन सा? ये जींद के SP का आया, तो उसमें गीतिका जाखड़ जुड़ी, तब मैं महिला आयोग को ट्वीट किया मैडम को।
तो मैडम ने मेरे ट्वीट का असर है, मेरे को बुलाया, मेरे को ट्वीट करके बुलाया, अप्लाई किया कि आप आओ। उस जांच को, जांच को तथ्यों को नजरअंदाज कर आरोपी को बचाया। कौन है गीता? डीएसपी थी उस टाइम पुलिस लाइन फतेहाबाद में, तो उस वाले मामले में इनका क्या भूमिका थी? वो जांच इनके पास थी, इन्होंने आरोपी को बचाया था, वो बस मैडम के सामने सबूत पेश किए के सामने और मैडम के सामने सबूत। क्या सेक्स रैकेट चलाने में इनका भी कुछ सहयोग है? ये सेक्स रैकेट चलाने में नहीं कह सकता मैं, लेकिन बचाने के इनको हथकंडे पता है, कैसे निकाला जा सकता है, कैसे उसे सेक्स रैकेट चलाने वालों को बचाया कैसे जा सकता है। जी मामले से मेरे को कुछ नहीं मतलब, मेरे को गीतिका जाखड़ जब जुड़ी हूँ महिलाओं का, मैंने बयान पढ़ा तो मेरे को लगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। और एक बात और जुड़ गई इससे, अब जिस एसपी को यहाँ लाया गया है वो ही एसपी है जिसने इसकी झूठी रिपोर्ट में साइन किए थे उस समय फतेहाबाद में, आपकी जो बहुवाली रिपोर्ट। हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप चला सकते, चलाना नहीं है। इसके बाद एक एफ आई आर और हुई, 138 नंबर एफ आई आर आर्मेट में, उसमें आरोपी अग्रिम जमानत पे चल रहा है, सेशन कोर्ट में उसकी बेल डिसमिस हुई, हाई कोर्ट में उसकी बेल हो गई, मैंने उस बेल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, मैडम उस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेशों का अवहेलना कर रही है। मैं सर 25 तारीख को चंडीगढ़ गया था इसके साथ, ये अमित शाह के टेबल पर भी पहुंच गया मेरा। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से मांग करता हूं, माननीय राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से, क्योंकि इस सेक्स रैकेट में एक जुडिशरी का बंदा इन्वॉल्व है, बहुत बड़ी बात। इसलिए अमित शाह जैसा कोई बोल्ड बंदा ही जो 370 तोड़ सकता है, और वो ही सेक्स रैकेट, क्योंकि सीएम से भी लेवल का, ऊपर के लेवल का पावर, क्योंकि हाई, मैं उस जज का नाम भी आपको ले सकता हूं, लेकिन आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका लाभ ले चुका। आप ये कहना चाहते हैं कि गीतिका जाखड़ जब एसपी वाले मामले की बात कर रही हैं तो निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, यही कहना चाहते हैं? ठीक है, ओके। तो आपने सुना इसके अंदर जो बयान देने आए थे उन्होंने, जो महिला आयोग के समक्ष अपने क्या बयान दर्ज कराए क्या नहीं कराए, लेकिन जो मीडिया के सामने उन्होंने अपने बयान दिए, अपनी बात कही, जो मैंने आपसे कहा था कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है, और इसके बाद में कहीं इस मामले की जांच और भी व्यापक और गहन होनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जो शिकायतकर्ता, जिस जो बयान आप सुन रहे थे विपिन के, क्या ये भी किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या ये कहीं खाकी को बदनाम करने की साजिश तो नहीं, और कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि खाकी के अंदर भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी सफाई जरूरी है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।